भले इंजॉयमेंट डिस्ट्रेक्शन कितना भी रहे, लेकिन मेहनत की पावर, जो मेहनत की खुशी है उसके आगे उसकी खुशी बहुत कम है। तो आखिरी बात और एक बोलूंगा और उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करके बैच शुरू करूंगा। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती छेनी हथौड़े की मार, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं बनता। क्या बात है यार, एक नंबर। ये जरूर रखना ही पड़ेगा, इसके बगैर सक्सेस नहीं मिलेगा। जुनून होना, इमोशनल होना, कुछ भी हो जाए ये मेरे को हासिल करना ही है। छोड़ मत दो, बाजे मत दो, कोई नहीं सुनेगा बाजे। जब बाजे सुन के शांत हो जाएगा, सक्सेस शांत नहीं होती। क्यों इतना जान देके सिखाने का रिजल्ट नहीं आया? ये 72 ले रहा है, ये 76 ले रहा है, ये 73 ले रहा है, वो 74 ले रहा। इन लोगों में सबसे बड़ी पॉइंट देखो, ये कभी कुछ बोलते ही नहीं, इनके अंदर कभी ऐसा बोलना ही नहीं पड़ता, बहुत कॉन्फिडेंट। या इन लोगों को कभी चिल्लाना ही नहीं पड़ता मेरे को, अपने को सर चिल्ला रहे लेकिन अपने अंदर कमियां है, अपना रिजल्ट डाउन है, अपन कुछ खास नहीं कर पा रहे जिंदगी में। दिमाग भगवान ने अपने को भी तेज दिया लेकिन अपना वो पर्पस से रिजल्ट नहीं आ रहा। हर बार वही 60-61 पे गाड़ी अटक जा रही, क्यों 70 पे नहीं जा रहे? उसके पीछे रीजन है, कहीं ना कहीं अपन धूप में, एंजॉयमेंट में, पार्टी में, उसमें अटक रहा है अभी भी। व्हाट्सएप पे हो, ग्रुप की चैटिंग चालू, ये चालू, वो चालू, अरे बंद करो, अभी क्या मिला उससे अभी तक के? खुद को एडिक्टेड बना के रखा सिर्फ तुमने, और कुछ भी नहीं किया। यहाँ सिर्फ अपने को पिताजी नहीं है, सिर्फ मम्मी है, जिम्मेदारी अपने ऊपर है, बहुत उम्मीदें लेके बैठे हैं, वो कैसे तकलीफें लेके पढ़ा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा, बैक आ रहा है। माफी नहीं है ये स्टूडेंट को, ये स्टूडेंट को बिल्कुल माफी नहीं है, ये याद रखना। कल साईं के दरबार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे तुम। ऐसे काम करके चलो कि चलो उनके सामने कल बोले कि प्राउड से कि नहीं तुम पास कर गया। भगवान ऐसे लोगों के लिए तो रियल चैलेंज लेता। तो ठीक है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा लग रहा बात, 76 मार्क लिए आउट ऑफ 80, बहुत बड़ी बात होती है। ऑन पेपर 40 मार्क 50 मार्क निकालना कोई ये नहीं है, निकाले। इन्होंने भी 72 है, इनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। इन्होंने भी 73 निकाले, ये भी रियली हेड्स ऑफ सैल्यूट है। लेकिन विनर तो विनर ही रहता है, जो फर्स्ट आते हैं तो इनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।